उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज कासगंज जनपद के भ्रमण पर पहुंचे, जहां उन्होंने जिला भाजपा कार्यालय पर जनप्रतिनिधियों नेताओं के साथ बैठक कर कलेक्ट्रेट कार्यालय में समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कासगंज के मौजूदा एडीएम वैभव शर्मा पर रामपुर पर लगे 45 करोड़ के घोटाले पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारी और सरकार की छवि को बचाते हुए रटा रटा जवाब दिया। उन्होंने कहा सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर पारदर्शिता के साथ काम कर रही है, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश है, सभी तीर्थ स्थलों पर विकास कराया जा रहा है। आपको बता दें लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भाजपा भी से ही जुट गई है। आज इसी क्रम में भाजपा के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कासगंज जिले में पहुंचे, जहां बैठक ली। वहीं डिप्टी सीएम ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा सपा सरकार में पहले विकास के लिए पैसा आता था, जिसका बंदरबाट पहले ही हो जाता था। विकास में पूरा पैसा लगता ही नहीं था। भाजपा सरकार में जितना पैसा आता है उतने पैसे का पूरा विकास किया जाता है, चाहे झूठ बोलना पड़े, अफवाह फैलाना पड़े, लूट करनी पड़े, वो सब कर रहे हैं मोदी जी को रोकने के लिए। इस बात से समीक्षा बैठक की गई है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में, मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में हम लोग उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। 2014 से 2022 तक 4 लोकसभा और विधानसभा के चुनाव जनता के आशीर्वाद और सरकार के काम के बल पर हम लोग जीत चुके हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। गरीब कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसानों का उत्थान हो, उनकी आमदनी बढ़े, उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। नौजवानों के रोजगार के अनेक अवसर देश के अंदर प्रदेश के अंदर पैदा हुए हैं। एक नया उत्साह, नए उमंग के साथ हमारी युवा शक्ति आगे बढ़ रही है। देश की संसद ने महिलाओं को 35% आरक्षण देने का कानून पास कर दिया है, बना दिया है। यह एक ऐतिहासिक कदम है। भारत के प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में G20 की समिट दिल्ली में हुई है, जो ऐतिहासिक हुई है। विश्व के किसी देश ने इतनी शानदार G20 की बैठक नहीं की जैसा भारत ने किया है। भारत विश्व गुरु के रूप में आगे बढ़ रहा है, विश्व की महाशक्ति के रूप में आगे बढ़ रहा है। हम दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है, 3री अर्थव्यवस्था हम बनने की ओर अग्रसर है, उसमें उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। मैं आप सबको यहाँ पर ये विश्वास दिलाते हुए कि जो भी समस्या है उसका समाधान करने के लिए हमारी सरकार ने अनेक प्रकार की योजनाएं बनाई है।